हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज हमें जूती बनाएंगे। बहुत ही इजी है बनाने में और बहुत ही सुंदर लगती है देखिए देखने में। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इसको। ये मैंने 6-7 नंबर के लिए बनाई है। आपको इससे बड़ी या छोटी बनानी है तो आप यहाँ से ये जो मैंने ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 14 धारियाँ बनाई हैं, तो आप ये 12 बना लीजिए, 11 या 12, वो छोटा साइज बन जाएगा। तो ये देखिए, फ्रेंड मैंने यहाँ पे 25 फंदे डाले हैं। ये पूरे यहाँ से यहाँ तक 25 है। और ये देखिए 1, 2, 3 धारी मैंने इस कलर से बनाई है। अगर आप एक कलर से बनाना चाहते हो तो एक कलर से भी बन जाएगी। 4-4 ये दोनों शुरू में और लास्ट में, ये 3-3 धारियाँ हैं और बीच में ये 4-4 हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 14 धारियाँ बनाने के बाद अब देखिए ये वाला डिजाइन बनाएंगे हम। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। अब हम यहाँ पे कलर लगाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 21 फंदे बनाएंगे और ये 4 फंदे ऐसे ही छोड़ देंगे ब्लू कलर के। ये उल्टी सिलाई है हमारी, उल्टी सिलाई से हमने दूसरा कलर लगाना है। अब यहीं से हम पलट देंगे इसको, ये 4 फंदे नहीं हम बनाएंगे और यहीं से पूरी सिलाई बना देंगे। फ्रेंड ध्यान से देखिए, एक पत्ती बना के बताऊंगी मैं आपको, बाकी आप अपने आप बनाएंगे सारी। देखिए लास्ट वाला फंदा ऐसे बनाएंगे। अब यहाँ से पीछे मुड़ेंगे, ब्लू वाला कलर है इसको भी साथ लेके चलेंगे ऊपर तक। पहले हमने 4 फंदे छोड़े, अब हम 2 और छोड़ेंगे इस वाले कलर के और यहाँ से पीछे मुड़ जाएंगे। ये 2 नहीं बनाएंगे इस वाले कलर के, इसको फिर उल्टा उल्टा बना देंगे। दोनों साइड से ही इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे। हर सिलाई में हम 2-2 फंदे छोड़ते जाएंगे और लास्ट में जब तक हमारे पास 3 फंदे ना बच जाएं जब तक हम इसी तरह से बनाएंगे इसको। देखिए अब यहाँ से फिर पीछे मुड़ेंगे और ब्लू कलर अब साथ में लेके चलेंगे। देखिए किस तरह से ये इस तरह से इसको इसके साथ लपेट लेंगे और सभी फंदों को उल्टा बनाते हुए चले जाएंगे आगे तक। अब इस वाली सिलाई में 2 फंदे हम फिर छोड़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे पता चल जाता है, ये नीचे रह जाते हैं ये ऊपर है, तो 2 फंदे फिर से छोड़े हमने। यहाँ से फिर हम पीछे मुड़ेंगे और फिर सभी फंदों को उल्टा बना देंगे। तो जब तक हमारे 3 फंदे ना बच जाएं इसी तरह से 2-2 फंदे छोड़ते जाएंगे। तो फिर मैं लास्ट में दिखाती हूँ आपको, जब तक हमारे 3 फंदे ना बच जाएं मैं ये बना लूँ पहले। इस तरह से हर सिलाई में हमने 2 फंदे छोड़ने हैं, इस तरह से लास्ट में हमारे 3 फंदे बचने चाहिए। ये देखिए अब
इस वाली सिलाई में जो हमारी उल्टी सिलाई आएगी उसमें हमने आगे वाले ये दो छोड़ने हैं, फिर उससे आगे वाले दो, इस तरह से दो दो छोड़ते जाएंगे और जब तक तीन ना बच जाएं। तो ये मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। फ्रेंड ये देखिए इस तरह से दो 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 करके मैंने ये लास्ट के तीन फंदे बचे हैं, तो इन तीन फंदों को हम इसी कलर से बनाएंगे। देखिए अब इसके बाद देखिए दूसरा कलर लगाएंगे अब हम, तो ब्लू कलर से हम नीचे तक जो हमारे चार फंदे हैं ये फंदे भी बनाएंगे। सभी फंदों को ब्लू कलर से बना देंगे इस तरह से। देखिए चार फंदे हैं, इनको भी हम इसी कलर से बना देंगे। जब हम ब्लू कलर से बनाएंगे तो इन चार फंदों को भी बनाएंगे, और जब ये दूसरे कलर से बनाएंगे, जो भी आप दूसरा कलर लगाओगे उससे हम चार फंदे छोड़ के बनाएंगे। तो यहाँ से फिर हम पूरी सिलाई ये उल्टी बना देंगे, और उल्टी बनाने के बाद फिर से हमने वही डिजाइन दोबारा रिपीट करना है, दो दो छोड़ के सभी फंदों को ब्लू से हम उसी तरह से बनाएंगे। ये एक सिलाई हम दोनों साइड से उल्टे उल्टे बना के ये हमने कंप्लीट कर ली, तो ये पूरी धारी हमारी ब्लू से बन गई। अब देखिए अब चार फंदे छोड़ के हम वैसे ही जैसे हमने दूसरे कलर से बनाया है बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। नीचे से चार फंदे छोड़ेंगे और फिर वैसे ही दो 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 छोड़ते जाएंगे हर एक सिलाई में। ये देखिए ना चार फंदे हमारे बचे हैं, तो इनको हम नहीं बनाएंगे अब, यहाँ से पीछे मुड़ेंगे और बाकी सभी फंदों को इस तरह से उल्टा बना देंगे। फिर अगली सिलाई में हम फिर दो फंदे छोड़ेंगे, तो ये ऊपर तक फिर यहाँ तक बना लेती हूँ मैं, फिर दिखाती हूँ। अब यहाँ तक बना लिया, पहले चार अब दो छोड़े, अब यहाँ से हम पीछे मुड़ेंगे और बाकी पूरी सिलाई उल्टी बना देंगे। बस वही हमने बार बार रिपीट करना है, जिस तरह से हमने ये क्रीम कलर बनाया उसी तरह से हम ये भी बनाएंगे। हर एक सिलाई में दो दो छोड़ते जाएंगे लास्ट के तीन तक। तो ये मैं बना लेती हूँ फिर आगे दिखाती हूँ। अब फ्रेंड देखिए यहाँ तक ये मैंने बना लिया, अब ए वाले कलर से बनाएंगे, तो चार फंदे छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको। तो एक पत्ती और बनाऊँगी मैं, फिर ये देखिए एक दो ये बना लिए हमने, एक इस वाले कलर की बनाएंगे और फिर ये बीच वाला मैं बनाना बताऊँगी आपको। तो यहाँ ब्लू तक मैं ये सिंगल सिंगल है, पर यहाँ पे हमने दो इकट्ठे बना दिए, जैसे ये दो इकट्ठे बनाए हैं एक इस कलर से, अब यहाँ पे सेंटर में हमने दो इकट्ठे बनाने हैं। तो इस वाले कलर से हमें सभी फंदों को नीचे तक बना देंगे, चार फंदे छोड़ के चार हम ब्लू उसी टाइम बनाएंगे जब हम ब्लू कलर लगाएंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आगे। यहाँ ब्लू का एक पार्ट बना लूँगी मैं, दूसरा स्टार्ट करना बताऊँगी फिर आपको। फ्रेंड देखिए अब ये सेंटर वाला पार्ट बनाएंगे हम, तो देखिए एक पत्ती मैंने बना ली, अब दूसरी स्टार्ट करेंगे हम। तो किस तरह से करेंगे, पूरी सिलाई यहाँ तक हम इस ब्लू कलर से ही लगा देंगे, दो सिलाइयाँ उल्टी उल्टी, ये सभी फंदे बनाएंगे हम नीचे तक। तो ये मैं दो सिलाइयाँ बना लेती हूँ फिर आगे दिखाती हूँ। सभी फंदों को 25 फंदों को हमने इसी कलर से बना देना है। फिर इसके बाद एक उल्टी सिलाई और लगाएंगे, फिर दिखाती हूँ मैं। सिलाइयाँ लगा ली मैंने फ्रेंड, ये देखिए एक धारी बन गई,
अब इसके बाद हमने इस वाले कलर को भी साथ लेके चलना है। तो इस तरह से अब हम चार फंदे छोड़ के जिस तरह से हमने पहले डिजाइन स्टार्ट करा था, अब वैसे ही हम ये डिजाइन स्टार्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम डबल बना रहे हैं, यहाँ पे दो पत्तियाँ हमारी इकट्ठी आएंगी। तो हमने चार फंदे छोड़ के वैसे ही स्टार्ट करना है, फिर दो 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 करके ऐसे ही लास्ट में तीन छोड़ेंगे। सभी फंदों को इस तरह से बनाते जाएंगे और फिर से ये हमारा डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये चार फंदे हमने बनाए, अभी चार हम नहीं बनाएंगे, यहाँ से पीछे मुड़ेंगे। फिर अगली सिलाई में हमने दो बनाने, दो फंदे छोड़ने हैं, उससे अगले फिर दो दो, इस तरह से हम फिर से डिजाइन वैसे बनाएंगे। इसके बाद फिर हम क्रीम कलर लगाएंगे, फिर एक बार फिर ब्लू लगाएंगे, फिर क्रीम लगाएंगे। उसके बाद 25 फंदों को 14 धारियां बनाएंगे। ये देखिए अगली सिलाई में फिर हम इन दो को छोड़ेंगे, उससे आगे इन दो को, इस तरह से सभी फंदों को छोड़ते जाएंगे और ए वाला डिजाइन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर ए पत्ती बनाएंगे, ए बनाएंगे, ए बनाएंगे, और इसके बाद फिर तीन हम ब्लू की बनाएंगे। ये 14 धारियां फिर वैसे ही बना देंगे। देखिए तो यहाँ तक बना लीजिए आप इस तरह से, और ये डिजाइन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड देखिए पूरा कंप्लीट कर लिया मैंने। एक दो तीन कलियाँ इस साइड बनाई हैं, एक दो तीन ही इस साइड, और सेंटर में हमने दो बनाई है। और इसके बाद देखिए तीन धारियाँ इसकी, चार इसकी, चार इसकी और तीन इसकी। अब इसके बाद हम इसको बंद करेंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे, एक फंदा बनाएंगे पीछे वाला, इसके ऊपर से उतारेंगे, उल्टी साइड से बंद करेंगे हम इसको, सभी फंदों को इस तरह से बंद कर देंगे। और इसके बाद मैं आपको सिलना बताऊंगी किस तरह से हम इसको सिलेंगे। अब देखिए फ्रेंड उल्टी साइड हम बाहर की साइड करेंगे और सीधी अंदर की साइड इस तरह से। देखिए यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक। तो देखिए किस तरह से सिलेंगे हम इसको, एक एक फंदा दोनों साइड से लेते हुए। देखिए एक फंदा इधर का, एक इधर का, और नीचे तक सिल देंगे इसको। एल शेप में सिली जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ से और यहाँ तक सिल देंगे हम इसको इस तरह से। तो ये मैं सिल लेती हूँ, फिर सीधी करके दिखाती हूँ किस तरह से बन के आएगी ये। फ्रेंड देखिए सारा सिल लिया मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक, अब सीधा करेंगे हम इसको। देखिए इस तरह से बन के आएगा। अब इसके बाद ये मैंने बना रखा एक फ्लावर सा, ये दिखाती हूँ मैं किस तरह से बनाया मैंने। देखिए इन तीन उंगलियों पे इस तरह से 10 बार ये वाला धागा लपेट लीजिए, और उसके बाद यहाँ पे मैंने दूसरे कलर से लपेटा है। अगर आप इससे करना चाहते हो तो इससे इस तरह से लपेट के देखिए बन गए। और यहाँ से नीचे से हम यहाँ से काट देंगे इसको, बस बहुत ईजी है बनाना, और इसको लगा देंगे फिर। ये देखिए यहाँ पे लगाएंगे हम इसको, थोड़ा सा लूज छोड़ेंगे इसको, टाइट नहीं करेंगे। देखिए इस तरह से लगा देंगे।
और यहाँ से धागा काट देंगे हम, और इस तरह से ये बन के आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा लूज छोड़ेंगे, नहीं तो इस तरह से टाइट आएगा, थोड़ा लूज तभी तो नीचे आएगा। तो इस तरह से बनेंगे। तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।